आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, तो मैं आज दो तरह से तिल गुड़ की रेसिपी बनाऊंगी। एक तो तिल गुड़ के लड्डू, दूसरे हम बनाएंगे तिल मावा लड्डू। ये दोनों ही बहुत ही टेस्टी और यमी बनती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमने दोनों तरह के लड्डू बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। छोटे से बड़े सबको ये लड्डू बहुत पसंद आते हैं। मेरा बच्चा तो इधर ही बैठा हुआ है खाने के लिए, आप देख सकते हो उसकी फिंगर आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। इधर हमने लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये दो जगह तिलों को अलग अलग रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इधर मैंने 2 कप तिल और 1 कप गुड़ लिया हुआ है, जिनसे हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। 2 कप तिल ग्राम्स में नापते हैं तो 300 ग्राम है, और 1 कप गुड़ ग्राम्स में नापते हैं तो 300 ग्राम ही हमारा गुड़ है। ये मैंने 180 ग्राम तिल लिए हैं, इनसे हम तिल मावा लड्डू बनाएंगे। और मैंने ये 200 ग्राम मावा लिया है, और साथ में ही मैंने ये 250 ग्राम बूरा लिया हुआ है। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हम तिलों को रोस्ट कर लेते हैं। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो हम इसके अंदर दोनों ही तिल डाल देंगे, साथ में तिलों को रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी इनको रोस्ट कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो मैं दोनों को साथ में रोस्ट कर लूंगी और इन्हें अलग अलग फिर से हम नाप करके निकाल लेंगे। तो हमें तिलों को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना होता, जैसे चटकने लग जाते हैं बस उतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट में हमारे तिल अच्छे से पक जाते हैं। आपको तिल चटकने की आवाज आ रही होगी, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। फटाफट से हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं। इधर हमने तिल को साइड में निकाल लिया और सेम कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, जिससे कि हमारे गुड़ के अंदर भी अच्छे से शाइनिंग आ जाए। बस 2 चम्मच ही डालना है, उससे ज्यादा हमें इसके अंदर घी नहीं डालना है, जैसे हमारा गुड़ हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये गुड़ को तोड़कर डाल दूंगी। ये मैंने 1 कप गुड़ लिया है, ग्राम्स में 300 ग्राम गुड़ है, तो इसे मैं इस तरह से तोड़ करके डाल दूंगी सारे गुड़ को इसके अंदर। अगर आपका गुड़ थोड़ा हार्ड हो तो आप उसे क्रश करके भी डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ही पानी डालूंगी, उससे ज्यादा हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देना है, जब तक हमें बस गुड़ को पकाना है, उससे ज्यादा नहीं। इधर जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है, हमने ये जो तिल मावे के लिए लड्डू बनाए तो इसको हम पीस लेते हैं। हमारे तिल भी थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इधर मैंने तिल को पीस के ले लिया है। मैंने तिल को बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा है, बस हल्का सा। इसके अंदर कुछ साबुत तिल भी हैं, तो अगर आप ज्यादा पाउडर बना दोगे तिल के लड्डू में वो टेस्ट नहीं आएगा, वो क्योंकि आटे जैसा हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से तिल के लड्डू को पीस सकते हो। इधर मैंने 200 ग्राम मावा लिया हुआ है, इसको मैं पूरे को इसके अंदर ही डाल दूंगी। इसके अंदर हम बूरे को भी डाल देंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं हो तो आप इसी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। ये मैंने 1 कप ली थी ग्राम से, ये 250 ग्राम बूरा था। आप अगर मीठा थोड़ा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने जिस हिसाब से मेजरमेंट किया है बिल्कुल परफेक्ट है, इतना मीठा होना चाहिए लड्डू। अब मैंने मिला लेंगे, आप इसे चम्मच की सहायता से मिला सकते हो, लेकिन अगर हाथ से मिलाओगे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। जो आपके इसके अंदर गुठलियां दिख रही हैं उन्हें भी हम हाथों से तोड़ देंगे और ये फटाफट से मिल जाएगा। तो मैं एक बार ये अच्छे से मिला लेती हूँ। इधर मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो इस टाइम पे आप इसका लड्डू बनाकर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसका लड्डू बना सकते हो। तो आप देखिए हमारा परफेक्ट लड्डू बन रहा है। तो अब मैं हाथों को एक बार क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इधर हाथों को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके अंदर ही मैं ये सारे लड्डू बनाकर रखूंगी। तो आप इसके लड्डू की साइज अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी या बड़ी जैसा आप चाहो वैसे रख सकते हो। तो लड्डू को बनाना इन्हें बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। ये देखिए हाथों में इस तरह से लेके इन्हें राउंड राउंड कर दीजिए, तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारा लड्डू बन गया है। इधर हम इसी तरह से सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा ना कितना इजी है इन लड्डुओं को बनाना, तो मैं फटाफट से सारे लड्डू बनाकर रख लेती हूँ। इधर हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए, आप देख सकते हो कितना आसान था इन्हें बनाना, बहुत ही आसानी से और फटाफट हमारे लड्डू ये बन जाते हैं। और खाने में भी ये इतने ही टेस्टी होते हैं कि जो पूछो मत, छोटे से बड़े सभी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सर्दियों में तो इनका मजा ही कुछ और होता है खाने का। तो ये हमारे लड्डू का आपने देखा 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही फटाफट से। तो ये जब तक हमारे लड्डू बने थे तो इधर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई, तो हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही जैसे ही हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था, तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट और पका लिया था। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी होती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जो हम नॉर्मल खाने में यूज करते हैं। सोडा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से इसके अंदर झाग बन गए सोडा डालते ही। तो हमारे लड्डू इससे बहुत ज्यादा स्मूथ और अच्छे बनते हैं, टेस्टी।
तो मैं इसके अंदर तिल डालकर इसे अच्छे से मिलाऊंगी, जिससे कि हमारे गुड़ के अंदर सारे तिल अच्छे से मिल जाएं। इस टाइम पे आप गैस को स्लो और मीडियम रखें, या फिर बिल्कुल ही स्लो कर दें। आप पे नहीं हो पाता तो अच्छे से फटाफट, क्योंकि अगर आप गैस तेज रखोगे तो क्या होगा कि हमारे लड्डू का भी कलर चेंज हो जाएगा और इनके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। तो इधर हमें गैस को स्लो और मीडियम रखना, और इसे हमें इतना पकाना है कि हमारे लड्डू के अंदर अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा थिक हो गया है पहले से, तो मैं इस टाइम पे गैस को बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लूंगी। इधर देखिए गैस को हमने बंद कर दिया है, हमारे लड्डू का कलर बिल्कुल व्हाइट आया है। इधर हमने पहले एक प्लेट के अंदर घी को ग्रीस करके रखा हुआ है, जिसमें कि हम ये लड्डू का पोषण थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और हमें लड्डू बांधने में भी आसानी होगी, क्योंकि गर्म है तो गर्म में थोड़ा लड्डू बनाने में हमारे हाथ भी जलेंगे। इस तरह से करोगे तो आपके हाथ भी जलेंगे और लड्डू का शेप भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ा डाल लेती हूँ प्लेट के अंदर, बाद में आपको लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। इसमें ये ट्रिक नंबर 2 थी इस तरह से निकालने से, तो मैं हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के, और ये लें, ये देखिए परफेक्ट इसके लड्डू का शेप आ जाएगा। हल्का सा गर्म लगेगा आपको, बहुत ज्यादा गर्म लगे तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने दें। ये देखिए इस तरह से मैंने तिल रखे हुए थे साइड में बचा के, तो मैंने इनको तिल को कोट कर दिया इसके ऊपर, और आप इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर से इसका लड्डू का शेप दे सकते हो। तो ये परफेक्ट लड्डू इस तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी लड्डुओं को बनाइए। अभी थोड़ा नीचे डालने पर फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका ये थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से। तो हम सभी लड्डुओं को इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आपने देखा ना कितना आसान है लड्डू को बनाना भी। इधर मैंने लड्डू को बनाकर सारे लड्डू इसके अंदर रख दिए, जिसके अंदर मैंने तिल डाले हुए थे, क्योंकि लड्डू थोड़े ठंडे होने के बाद इनका शेप थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो मैं इसी तरह से सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा इनका शेप आया है। तो आप भी सभी लड्डू को इसी तरह से बना के रखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाले लड्डू हैं। इधर हमने इन कुछ लड्डू को तिल से कोट कर लिया, कुछ को हमने सिंपल तरीके से बनाया, इसको मैंने तिल के ऊपर से इसकी कोटिंग नहीं की है। तो लास्ट में जो हमारा पोर्शन था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बस हल्का नीम गर्म रहा था, तो उसके लड्डू बिल्कुल फ्लैट नहीं हुए। आप देखिए कितने अच्छे परफेक्ट बने, जो थोड़ा गर्म रहता है तो उसके लड्डू फ्लैट हो जाते हैं। तो आपने देखा ना कितना ईजी है इन लड्डू को बनाना, फटाफट से 15 मिनट में ही, 15 से 20 मिनट में दोनों रेसिपी बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये हमने कुछ लड्डू को इस तरह से रखा हुआ है बिना तिल से कोट के हुए, ये देखिए हमारी दूसरी रेसिपी भी आ गई है। तो इनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही इजी इन्हें बनाना है। तो आप एक बार इस मकर संक्रांति इन्हें जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे लड्डू है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं लड्डू, बहुत ही इन्हें बनाना भी आसान है। खाने में तो ये टेस्टी है ही है, लेकिन बनाना भी इन्हें बहुत ही ज्यादा ईजी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्टली हमारे लड्डू टूट रहे हैं। तो सभी लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान था। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट देता है। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दिया करो। आप बनाकर भी देखिए, इस तरह से बनाओगे तो आपके मेजरमेंट के हिसाब से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये नहीं कि मैंने इसमें कुछ भी ऐसे डाल दिए, पूरा मेजरमेंट करके अच्छे से आपको बताया है। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको फिर से मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को हैप्पी मकर संक्रांति।